Welcome to Bayoratna. Dear students, in our last session, we have completed Kingdom fungi. That means today we are going to complete the chapter biological classification. We are at the last topic that is the some cellular organisms like virus, viroids, prions. And lichens. See, these three, the first three, they are these are the all cellular organisms. These are all cellular organisms, whereas lichens it is a combination of algae and fungi, algae and fungi, which are. Living organisms, of course, they come together and make a symbiotic association where both are profiting each other, and that is called lichens. That is why to separate these lichens from these three, the small and is put here. Your NCRT also deals it like that in the first sentence. But before we start with today's topic, as is our practice. we are going to revise the previous topic which we have dealt with that means the revision of fungi revision of fungi so bachcho ready fungi you have completed fungi me आपको क्या क्या याद है देखिए एकदम शुरू से देखिए विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था विटाकर क्लासिफाइड एट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू फाइव किंगडम्स उसमें से दो थे जो यूनिसेलर थे वन वन मोनेरा ये दो हो गए यूनिसेलुलर देन फंजाई एंड प्लांटी एंड एनिमलिया दीज थ्री दे आर मल्टीसेलुलर देन ओनली दिस मोनेरा this is prokaryotic whereas rest of them are eukaryotic ठीक अब सीधे आ जाइए हमारे फंजाई ग्रुप में ये जो फंजाई है मेन इसके कैरेक्टर्स क्या बताओगे इसे क्यों निकाला गया था किंगडम प्लांटी से वेन वेर दे वेर इंक्लूडेड इन प्लांटी फिर क्यों निकाला गया कौन से दो कैरेक्टर्स बताओगे दैट इज दे आर हेट्रोट्रॉपिक वो हेट्रोट्रोपिक है प्लांट ऑटोट्रॉपिक है एंड दे हैव इन सेल वॉल वेयर एज द प्लांट्स दे हैव सेल्यूलोर्स इन देर वॉल ठीक है अच्छा ये फंजाई जो है दे आर द बैक्टीरिया द फंजाई दे आर सेप्रोफाइटिक जितनी डेड बॉडीज होती है उसे वो डिकम्पोज करते हैं सो मोस्टली दे आर सेप्रोफाइटिक लेकिन कुछ पैरासाइटिक भी है कितने पैरासाइटिक फंजाई के एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं बताइए फाइकोमाइसिटिस में एक था कौन था वो जो फाइकोमाइसिटिस में था दैट इज एल्ब्यूगो ऑन मस्टर्ड ये एल्ब्यूगो जो था वो दैट उज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड इसके अलावा आपने बेसिडियोमाइसिटिस में दो और पैरासाइट्स पढ़े हैं बताइए वो दो कौन है रिकॉल इट फास्ट दैट इज उसटी लैगो एंड पुक्सनिया उसगो एंड पोक्निया ये दो है आपके बेसिडियो में सारे जितने क्वेश्चन की तरह आज रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों एवरी क्वेश्चन इज अ प्रोस्पेक्टिव योर बोर्ड या योर इंटरनल क्वेश्चन और नीट में भी ये आपके अगले साल जैसे यू आर नाउ क्लास इन क्लास एलेवेन्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एस्पीरियंट्स मेरे

देन द रस्ट यू कम्बाइन इट विथ पक्सिनिया ये हो गए पैरासाइट्स दूसरा क्या पढ़ा था आपने उसकी जो हाइफी है उसका स्ट्रक्चर तो एज यू नो नाउ अब आप फाइकोमाइसिटिस और बाकी के जो तीन फर्दर दूसरे तीन क्लास है उसमें से किसकी हाइफी जो है किसका माइसिलियम जो है वो सेप्टेड सिनोसाइटिक है असिप्टेड सिनोसाइटिक है और किसका है? याद आया दिस वन अप्टेड सिनोसाइटिक ये पहला वाला जो आपका क्लास है दैट इज फाइकोमसेटिस एक ही है इसमें phycomycetes rest all the three they have septate and branched ठीक और क्या पढ़ा था आपने उसमें द सेक्शुअल साइकिल ऑफ फंजाई जब वे सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है उसके तीन स्टेप्स है कौन से वो तीन स्टेप्स है वन इज प्लाज्मोगी वन इज केरियोगी तो प्लाज्मोगी जब भी दो गमीट्स मिलते हैं तो उनका दो गमीट्स का फ्यूजन होता है देन एवरी टाइम देयर इज द मिक्सिंग ऑफ प्लाज्मा एंड देन द टू न्यूक्लियाई दे आल्सो फ्यूज यहाँ एकदम सेपरेट कर करके इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि अदर देन फाइकोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस में न्यूक्लियस जल्दी ही एक दूसरे के साथ मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं वहराज एस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस इन लोगों में वो दो न्यूक्लियाई फ्यूज होने में बहुत समय लगता है उस स्टेज को हमने क्या नाम दिया था दो न्यूक्लियाई है बहुत देर तक दिखते हैं दो मीन्स डाई सो इट वॉज डाई कैरी ऑन स्टेज और उस फेज को कहते हैं डाई कैरियो फेज फिर बताइए जो ओनली यूनिसेल्यूलर फंजाई इंक्लूडेड है द ओनली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच इज इंक्लूडेड इन फंजाई वो कौन से ग्रुप में आता है वो कौन है नहीं ट तो आप एकदम बचपन से सारे बच्चे जानते हैं दैट इज दस्ट कौन से ग्रुप में है दैट इज योमाइसिटिस एस्कोमाइसिटिस दैट इज दाइ ये एस्कोमाइसिटिस में एस्कोमाइटिस एस्कोमाइसिटिस में दो तीन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने पढ़ी थी क्या वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च में काम आता है वेरी फेवरेट विद द साइंटिस्ट दैट इज़ द न्यूरोस्पोरा दैट इज न्यूरोस्पोरा और इस एस्कोमाइसिटिस में दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेलीकेसी है बहुत महंगी uh, होती है और दे आर कंसिडर्ड एज डेलीकेसी बहुत चाव से लोग खाते हैं दे आर मोरस एंड ट्रफल्स दे आर मोरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है अच्छा फिर लास्ट वाला था बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसे कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? क्यों कहते हैं इसे इम्परफेक्ट फंजाई क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता बट शायद ये हमारा इम्परफेक्शन हो कि हमने अभी तक रिसर्च वर्क में उन ऑर्गेनिज्म का सेक्शुअल साइकिल खोज के नहीं निकाला Because it has happened. उस ग्रुप में जितने फंजाई डाले गए थे कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका सेक्शुअल साइकिल समझ में आया तो वहां से उठा के उसे एस्को या बीसीडीओ में डाला फाइको में नहीं डाला क्यों ये भी तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि उनके सारे माइसिलियम uh, जो है सेप्टेड सिनोसाइटिक थे या वो एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स बनाता था अकॉर्डिंगली देर शिफ्टेड ठीक है एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें कि वो कौन सा क्लास है फंजाई का जो असेक्शुअल स्पोर्स नहीं बनाता लेकिन फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है तुरंत क्लिक किया दैट वॉज basidiomycetes दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस विच डज नॉट फॉर्म अ सेक्शुअल स्पोर्स बट इट रिप्रोड्यूस बाई फ्रैगमेंटेशन और ये जो है आपका एस्कोमाइसिटिस और लास्ट वाला दोनों कोडिया से कोनेडिया विच आर एक्जोजिनसपोर्स एक्सोजिनस मतलब बाहर बाहर बनता है किसी बैग के अंदर नहीं बनता ठीक इतना ही तो था और फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ के नाम याद करने थे आपको जैसे एस्कोमाइसिटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज एस्कोकार्प बेसिडियोमाइसिटिस का जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज बेसिडियोकार्प दैट्स ऑल अबाउट फंजाई सो यू कंप्लीट आवर मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई तीनों आपके कंप्लीट हो गए प्लांटी और एनिमिलिया को अलग से सेपरेट चैप्टर दे के पढ़ाया गया है बच्चों सो नाउ वी विल बी कंसिडरिंग टूडेज अवर टॉपिक उसमें हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स या उसे ऑर्गेनिज्म कैसे कहें उसे अ और सेल्युलर ऑर्गेनिजम कहना होगा आपको क्यों क्योंकि उसमें सेल्युलर स्ट्रक्चर नहीं है वी कैन नॉट कंसिडर देम एज लिविंग क्यों नहीं कर सकते क्यों हम उसे लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हैं? और क्यों हम उसे नॉन लिविंग भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं सो so, दैट्स uh, एक ऑर्गेनिज्म है इसमें जो जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन होके वो एक तीसरा ही कुछ बना रहे हैं सो दे आर इंडिविजुअली टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर देयर एल्गी और फंजाई जिसका हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन कर दिया है So, उन्होंने जो एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप से ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसे अलग से पहचानना ही मुश्किल है कि ये एल्गी भी है या फंजाई भी है इस तरह से एक हो जाते हैं लेकिन है तो एल्गी और फंजाई ही सो दिस इन्स ऑल्सो एंड दिस थ्री असेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ लेटेस्ट फर्स्ट कंसीडर वायरस दिस वायरस बच्चों इसके हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं कैन यू यूवर थिंक ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी के आप क्रिस्टल्स बना सकते हो कि चलो इसके बॉडी को छोटे छोटे शुगर क्रिस्टल्स में चेंज कर सकते हैं दिस इज अ नॉन लिविंग प्रॉपर्टी बट दिस वायरस देयर बॉडी इट कैन बी दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड दूसरा एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे हम लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते वो है कि इट हैज नो सेल इट इज अ सेल्युलर नो सेल मतलब इट इज नॉट हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नॉट हैविंग सेल वॉल इट इज नाइदर हैविंग द साइटोप्लाज्म, नाइदर इट इज हैविंग एनी ऑर्गेनेल कुछ इसके पास नहीं होता है सो यू विल से अच्छाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट होस्ट की बाहर जब है उस समय ये कोई ग्रोथ शो नहीं करता रेस्पिरीशन नहीं करता न्यूट्रिशन नहीं करता और रिप्रोडक्शन भी नहीं करता एज गुड एज डेड सो इट इज वी कॉल एट ऑब्लीगेट पैरासाइट ऑब्लीगेट पैरासाइट का मतलब क्या हुआ ंग इट पैरासाइटाइजेज इन ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गया वेदर इट इज प्लांट हो ये प्लांट को भी इन्फेक्ट करता है ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है ये ह्यूमन बींग को भी एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है तो जब ये इनके अंदर जाता है होस्ट के अंदर देन इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग वो होस्ट सेल को कितनी तरह से टॉर्चर करता है वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ इट यूजेज द मशीनरी ऑफ द होस्ट टू यूज इट्स ओन पार्टिकल्स इसके पास अपनी मशीनरी तो है नहीं लेकिन उसके पास इतनी अकल है बच्चों आप समझ रहे हो कि दिस वायरस इट हैज अल जस्ट मीन्स जेनेटिक मटेरियल विच मे बी आर एन ए विच मे बी डी एन ए सो इट हैज जेनेटिक मटेरियल

कि जब वो होस्ट की बॉडी से आके लगता है उसे समझ में आ जाता है कि नाउ आई कैन इंट्रोड्यूस माय जेनेटिक मटेरियल इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट सेंस उसमें कहीं पे है सो दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट मींस दो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड द लिविंग नॉन लिविंग कहां पे क्या डिमार्केशन हो सो दिस इज अ फैंटेस्टिक वर्ल्ड जहां पे आप कई तरह से उसे सोच सकते हो लेकिन ये फिलोसफी करने की जगह नहीं है यू आर हार्ड प्रेस्ड फॉर टाइम आई टेल यू लेकिन जस्ट सी कि इट इज दैट्स वी कॉल इट ऑब्लीगेट पैरासाइट ऑब्लीगेट पैरासाइट का मतलब ही हुआ कि जब वो होस्ट के बॉडी के बाहर है तब वो कोई भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस नहीं शो कर रहा है ठीक इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड आल्सो इट इज अल्यूलर इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट लेकिन जब वो एंटर करता है मीन्स व्हाट स्ट्रक्चर इट इज हैव फर्स्ट सी स्ट्रक्चर इट हैज डायग्राम के साथ देख ले उसके बाद देखते हैं कि वो किस तरह से एक होस्ट की मशीनरी को अपने काबू में कर लेता है और उसे अपने लिए यूज करता है देयर टू इट हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स वन इज लाइटिक वन इज लाइसोजेनिक What is lytic? What is lysogenic? That we will see. Before that, we see the structure, its body structure. So, we just discussed that the virus they have a genetic material simply or kuchne. One genetic material they have genetic material which may be DNA or RNA. Ek uske body mein. डीएनए भी हो आरएनए भी हो ऐसा नहीं होता इट इज आइदर डीएनए और आरएनए एंड इज इज अ अ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव कोट कोट मेड अप ऑफ प्रोटीन ये प्रोटीन का बना हुआ एक कोट उसके बॉडी में होता है सो दिस इज प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए ठीक है नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस वन इज टोबैकोमोजिक वायरस जब हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे ना हिस्ट्री वहाँ पर भी आपको टोबैकोमोजिक वायरस का मेंशन मिलने वाला है सो दिस टोबैकोमोजिक वायरस उसमें जो ये डीएनए का प्रोटीन कोट है द कंप्लीट कोट इज कॉल्ड कैप्सीड पूरे कोट को कहते हैं कैप्सीड कम्प्लीट प्रोटीन कोट को कहते हैं कैप्सीड और वो कैप्सीड जिस छोटे छोटे यूनिट से मिल के बनता है उसे कहते हैं कैप्सोमियर कैप्सीड एंड कैप्सोमियर तो कैप्सोमियर इज द स्मॉलर यूनिट वो सारे जुड़ जाते हैं तब जाके बनता है आपका कैप्सीड तो ये कैप्सोमियर्स ये अलग अलग तरह से जुड़ते हुए अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जैसे टोबैको मोजिक वायरस अगर हम देखें तो उसमें हमें ऐसे

पैरासिटाइज करता है बैक्टीरिया को करता है नॉट प्लांट नॉर एनिमल्स स्ट्रक्चर इट हैज उसका पहले बना बनाए हम लोग देखो ये है उसका कैप्सिड बना रहे हैं हम लोग पहले इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया कैसे इसके यूनिट्स, कैप्सोमियर्स आसानी से बनाए उसे देखिए पहले यहाँ सेंटर में एक लाइन ले लीजिए ठीक अब आप यहां से आपने लिया एक ट्रैंगर स्ट्रक्चर ठीक यहां से आप एक एम जैसा लिखते हो यहां से आपने लिया ऐसे फिर ये सेंटर में ले आए फिर इससे मिलाया फिर ये कॉर्नर में मिलाया दिस इज एम अब एक इन्वर्टेड डब्ल्यू लिखिए ये लिया ये लिया ये लिया और ये सेंटर में आएगा ना तो ये यहाँ पे आएगा ये लिया और ऐसे मिला दिया तो एक ट्रायंगल फिर एक एम देन वन इनवर्टेड डब्ल्यू बच्चों इतना बनाने से आपका ये हेड बन जाता है पूरा लंबा इलॉन्गेटेड बड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका ना इसकी तरह जस्ट सिंपल वन सिलेंडर नहीं है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर बनाया दिस इज कॉल्ड हेड ये हेड है इस हेड के नीचे इस हेड के नीचे यहां पे इसका एक कॉलर है दिस इज द कॉलर फिर ये कॉलर से होते हुए फिर यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है विच इज कवर्ड बाय दिस प्रोटीन शीट्स दिस इज द शीट एट द एंड नीचे में एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एंड प्लेट और बसल प्लेट ये हो गई उसकी एंड प्लेट इस एंड प्लेट से कुछ खतरनाक चीजें बाहर निकली हुई है खतरनाक किसके लिए खतरनाक उस होस्ट के लिए क्यों खतरनाक दिस आर कॉल्ड टेल फाइबर्स दिस आर कॉल्ड टेल फाइबर्स एंड दिज फाइबर्स जैसे ये उंगलियां इस तरह से दिस फाइबर्स व्हाट दे डू दे हेल्प दिस वायरस टू गेट होल्ड ऑफ द बॉडी की मदद से पकड़ता है इसी की मदद से पकड़ता है और फिर इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है टी फोर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या है अगेन वन नीट एंड ऑल्सो योर बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड में तो आपको ये डायग्राम भी बनाने आते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल आर एन ए इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए सो इट इज हैविंग डीएनए इसके पास ये है अंदर में डी एन ए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टी फोर फेज हम आगे बढ़ेंगे ये देखते हुए कि किस तरह से ये बैक्टीरियोफेज इन टेल फाइबर की मदद से बैक्टीरिया को होल्ड करते हुए उसके बॉडी में अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल डालता है ये पूरा प्रोटीन कोट वगैरह इतना तामझाम तो सिर्फ उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए था तो आपका अगर एमसीक्यू में ये आता है ना कि व्हाट इज इट्स इन्फेक्शियस पार्ट ऑप्शन में प्रोटीन कोट भी रहेगा दूसरा ऑप्शन आपका उसका जेनेटिक मटेरियल होगा बोथ द प्रोटीन कोड जेनेटिक मटेरियल इस तरह से अलग अलग ऑप्शन बना के आएंगे इट्स इन्फेक्शियस पार्ट इज ओनली इट्स जेनेटिक मटेरियल इतना ही है जो होस्ट के बॉडी के अंदर जाता है बच्चों बाकी का पार्ट होस्ट के बाहर ही रह जाता है तो हम अब आगे बढ़ते हुए वहीं उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे लाइफ साइकिल का मेंशन है आपके एनसीआरटी में है कि फिर वो आ, होस्ट के बॉडी में जाता है और इसके पास तो कोई मशीनरी नहीं है साइटोप्लाज्म भी नहीं है कोई राइबोसोम्स भी नहीं है जहां पे वो अपने इंजाइन भी बनाए लेकिन वो पूरे होस्ट की सारी मशीनरी को कैप्चर कर लेता है हाउ इट डज दैट सी उससे पहले एक कम ये कि ये सारी लेबलिंग्स इस साइड में होनी चाहिए नॉट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड तो मैं इसे मिट्टा के भले आपको ये बोर्ड अभी नहीं दिखाई दे बट आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन द अदर साइड नाउ सी इट्स लाइफ साइकिल हो सकता है कि अभी हमने जो बैक्टेरियो फेस देखा विच इज गोइंग टू इनफेक्ट द बैक्टीरिया उसका एग्जाम्पल लेके यहाँ दिखा रहे हैं बट इट इज एनी वायरस वो हमेशा ही ऐसे ही करेगा जैसे हमें एड्स जो करता है ना इट हैज इट डज नॉट हैव डी एन ए उसमें होता है आर एन ए तो वो एड्स का जो वायरस होता है इट इज कॉल्ड रेट्रो वायरस अ ग्रुप ऑफ वायरसेस विच हैव आर एन एज जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड बाई प्रोटीन कोड वो जब ह्यूमन बींग को एफेक्ट करता है तो वो अपना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर डालता है और उसका प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है सेम विल बी हेयर ऑल्सो लेटस से देखो इफ दिस इज द बैक्टीरिया और ये है उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अब ये जो आपका बैक्टीरियो फेज है इट विल विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स ये इसे ऐसे पकड़ेगा और इंजेक्शन की तरह अपना जो यहाँ जेनेटिक मटेरियल था उसे इसके बॉडी के अंदर डाल देगा सो टी फोर बैक्टीरियो है वो जो एड्स वाला है उसके पास है आर एन ए वो फिर अपने आर एन ए को डीएनए में कन्वर्ट करता है यहाँ इसे कोई दिक्कत नहीं है इसके पास भी है डी एन ए बैक्टीरिया के पास भी है डी एन ए पहले ये क्या करेगा ये खुद को इसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है इसके डीएनए में इसने खुद को अटैच कर दिया ठीक है अब इसके दो तरह के हो सकती है लाइफ साइकिल वन इज लाइटिक एंड वन लाइसोजेनिक लाइटिक का मतलब हुआ खतरनाक है सेल के अंदर जाएगा बहुत सारे वायरस बनाएगा उस सेल को तोड़ते हुए बाहर आ जाएगा दैट इज लाइटिक लाइटिक लाइस कर दिया ब्रेक कर दिया उस सेल को लाइसोजेनिक ये मत सोचिए ये खतरनाक नहीं है वो क्या करता है जाके यहाँ इसके जेनेटिक मटेरियल से इनकॉर्पोरेट हो गया जब जब ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा उसके डीएनए के साथ ये भी बैक्टीरिया के हर ऑफस्प्रिंग में जाते रहता है लेकिन चुप से बैठा रहता है लाइसोजेनिक का मतलब है बच्चे ये मत सोचिए कि वो वहाँ चुपचाप ही हमेशा पड़ा रहेगा उसके पास इट हैज पावर टू गेट एक्टिवेटेड एनी टाइम एंड बिकम लाइटिक ये कभी भी लाइटिक में चेंज हो सकता है जब तक वो खुद को लाइटिक में चेंज नहीं करता चुपचाप उस होस्ट में भी पड़ा रहता है और उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी पड़ा रहता है तब आप उसे लाइसोजेनिक कहते हो लाइटिक जनरेटिंग पावर जिसके पास है लेकिन फिर भी वो चुपचाप है दैट इज लाइसोजेनिक तो यहाँ इसने इनकॉर्पोरेट कर दिया यहाँ करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा दिस बैक्टीरियल सेल को डीएनए को ये खत्म कर देता है बच्चों बैक्टीरियल डीएनए को ये लाइटिक वाला इसने खत्म कर दिया और इस होस्ट की जितनी मशीनरी थी सारे इसने अपने काबू में कर ली करते हुए इसने अपने ढेर सारे ढेर सारे अपने जेनेटिक मटेरियल्स बहुत सारे बना लिए और फिर बहुत सारे प्रोटीन कोड्स भी बना लिए फिर इसको असेंबल करते हुए बहुत सारे वायरस प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को असेंबल करते हुए उसने बहुत सारे वायरस <laughs> बना लिए <लिये>। इतने वायरस बना लिए इतने वायरस बना लिए कि वो अब इस बैक्टीरिया के अंदर इसके सेल के अंदर नहीं रह पाते हैं उस सेल को ब्रेक करते हुए सारे बाहर आ जाते हैं एंड दीज आर इन्फेक्शियस ये जो बाहर निकले ये हमारे बॉडी में जैसे बहुत सारे सेल है एक सेल को तोड़ के वो बाहर निकला कि फिर वो आसपास के दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने लायक होता है हमारी बॉडी भी उसे इम्यून सिस्टम फाइट करती है कैसे करती है वो आप ट्वेल्व में पढ़ोगे कि फिर वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करता है डिटेल इज़ नॉट रिक्वायर्ड पे आपको हम ओवरबर्डन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपने लाइटिक में क्या देखा कि प्रोटीन कोड बाहर रह गया है जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया उसने होस्ट के डीएनए को होस्ट डीएनए को डिग्रेड कर दिया डिग्रेड करते हुए उसने उसकी मशीनरी काबू करते हुए बहुत सारे अपने जेनेटिक मटेरियल और अपने प्रोटीन कोड्स बना लिए देन इट असेंबल द टू टू फॉर्म मेनी बैक्टीरियो फेजिस विच केम आउट ऑफ द सेल अगर इसी स्टेज में ये रह जाए और उसे लाइस नहीं करे देन यू कॉल इट लाइसोजेनिक बट दिस वन इज लाइटिक दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस कि वो किस तरह से आ, होस्ट की मशीनरी को कैप्चर करके अपना रिप्रोडक्शन करता है चलिए अब आगे बढ़े और चलिए हम ये देख लें कि वो अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो नॉर्मली नहीं नॉट हंड्रेड परसेंट है बट मैक्सिमम इसमें उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इन केस ऑफ प्लांट क्या होता है और केस ऑफ एनिमल्स

और जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं उसमें तो हर तरह का होता है अब हर तरह का लिख दीजिए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आर और डबल स्टैंडर्ड आर या डबल स्टैंडर्ड डी एन ऑफ एनी टाइप तो इस तरह से आपको इसे याद रखना है ये बैक्टीरिया का तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा बच्चों जब तक आप नीट के लिए देने जाओगे लेकिन आपको इंटरनल एग्जाम्स में भी बहुत अच्छे से करते जाना है ना अगले साल आपको क्यों अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में वो बार बार हैमर किया जाएगा आपके ब्रेन में कि बैक्टीरिया का डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसमें है किस तरह से प्रूव हुआ पहले क्या सोचा गया था धीरे धीरे कैसे हम कन्क्लूजन में पहुँचे तो वो जो जर्नी आप पढ़ते हो तो फिर वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाता है अभी लेकिन आपको अभी भी याद रखना है ना एलेवेंथ में सो द बैक्टीरिया दे हैव डबल स्टैंडर्ड डी प्लांट्स दे जनरली हैव सिंगल स्टैंडर्ड आर एन एनिमल्स इसमें तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है सब लिख दिया आपने एस एस आर एन ए डीएसआरएन ए डी एस डी एन एस इज अबाउट द जेनेटिक मटेरियल अब हम देख लें इसकी हिस्ट्री द हिस्ट्री कब इसकी डिस्कवरी हुई कैसे पता चला कि ये इन्फेक्शियस है किसने पता किया किसे पता चला कि इसे क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है ये तीन चीजें आप याद रखना फर्स्ट इट वॉज इन 1892 हंड्रेड एंड नाइन्टी टू डिमिट्री इसने क्या देखा कि योर टोबैको प्लांट टोबैको प्लांट में बच्चे एक टोबैको टोबैको मोजे डिजीज होता है टोबैको मोजे डिजीज जिसमें उसके पत्ते के ऊपर मोजेक जैसे डिजाइन बन जाते हैं सो दिसमिट्रीनोर्स की डिजीज इज कॉज बाई अम्ड इट एज वायरस नाम भी इसी ने दिया ना इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को नेचुरली होते हैं बहुत सारे वजह से आपके एन में दिया हुआ है कि वायरस नाम इवान ने दिया था इसी को आप याद रखना सो ही नेम्ड इट एज वायरस नेम्ड इट दिस एजेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट एज वायरस और ये पाया गया कि ये जो माइक्रोब्स है इसे जब उस लीफ का एक्सट्रैक्ट लेके बैक्टीरियल फिल्टर से फिल्टर किया गया देन इट वॉज फाउंड कि वो उस फिल्टर को वो पास कर जाता है बैक्टीरिया दे आर रिटेन इन दैट फिल्टर उसमें बैक्टीरिया रह जाते हैं नीचे फिल्ट्रेट में नहीं आते लेकिन दिस कुड पास दोज बैक्टीरियल फिल्टर सो दिस कूड पास दे पास द बैक्टीरियल फिल्ट फिल्टर, फिल्टर. बैक्टीरियल फिल्टर सो नेचुरली इसका कंक्लूजन समझ में आ गया कि ये बहुत छोटे हैं बैक्टीरिया से भी साइज में वैसे की अपने लाइफ टाइम में यही सोचता रहा कि ये कोई और छोटा बैक्टीरिया ही है नेचुरली जब तक उसका स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पता चले डिफरेंस नहीं पता चले तो लोग क्या सोचेंगे नाउ कम टू 1898 1898 में दिस बेजरीन ने इसे समझ में आया कि दिस इज इंफेक्शियस दिस एजेंट इज इन्फेक्शियस विच कॉजेस डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स कॉजेस डिजीज इन हेल्दी प्लांट्स तो इसने कहा कि ये जो है दिस इज कॉन्टेजियम 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 मतलब इन्फेक्शियस वाइवम इवम फ्लूडम कि ये जो फ्लूड है ये कॉन्टेजियस है जो और दूसरे इसमें इंफेक्शन फैला सकता है सो दिस वॉज इनकी दिस वॉज बेजरीनिक फिर सीधे आ जाइए 1935 में 1935 में इट वॉज द साइंटिस्ट स्टैनले इस स्टैनले ने ये देखा कि दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स ऑफ ये तो आपको बताना आना चाहिए जितना अभी तक पढ़ा है उसी के ऊपर गैस करते हुए ये हो गया अब आपका वायरस में बचा कुछ थोड़ी है जस्ट उसके जितने डिजीजेस है वायरल डिजीजेस आपको पता है जैसे मम्स है बच्चों में मम्स होते हैं दिस मम्स इज कॉज्ड बाय वायरस फिर अ स्मॉल पॉक्स दट डेडेड डिजीज यू ऑल नो तो इसका एक छोटा वर्जन है चिकन पॉक्स दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस फिर ये हर्पिस है दिस इज ऑल्सो वायरस फिर एड्स है एड्स द दच डेडेड डिजीज दिस इज ऑल्सो देन आपका ये जो कोरोना है दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाई एड्स ओनली और आपको जो बराबर होते रहता है फ्लू दैट इज इन्फ्लुएंजा दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस इतने सारे तो एनिमल्स में हो गए इतने सारे एनिमल्स में हो गए प्लांट में कौन से बताओगे बताओ एक तो पढ़ लिया आपने कौन सा टोबैको मोजेक वायरस का ये टोबैको मोज़ेक डिजीज तो एक तो हो गया ये टोबैकोमोजिक डिजीज वन इज टोबैकोमोजिक डिजीज सेकेंड इज लीफ जो होते हैं ना बच्चे इन्फेक्शन से ऐसे कर्ल्ड हो जाते हैं तो दूसरा है लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग लीव कर्लिंग एंड रोलिंग दूसरा होता है इनसे कि लीफ येलो पड़ जाते हैं और उसके वेन्स जो है जिससे उसका खाना पानी जाता है वो क्लियर होने लगते हैं खत्म होने लगते हैं सो अनदर इज द येलोइंग ऑफ लीफ येलोइंग ऑफ लीफ लोइंग ऑफ लीफ एंड वेन क्लियरेंस वेन जो है वो क्लियर होते चलते हैं टोबैकोमोजिक डिजीज देख लिया लीव कर्लिंग देख लिया येलोइंग ऑफ लीव देख लिया और ये स्टंटेड ग्रोथ और डॉर्फिजम भी करता है प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं होती है और वो डॉर्फ रह जाता है दिस वॉज वायरस बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा उसे असेलुलर ऑर्गेनिजम कह लो ऑर्गेनिज्म बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कह लो लेकिन है बहुत खतरनाक और भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि ये इसका जो आर वाले जितने आर जेनेटिक मटेरियल वाले जितने वायरसेस है वो इतने फास्ट म्यूटेट करते हैं और अपने जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन से खुद को चेंज कर लेते हैं कि फिर उनके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों सो दिस वेयर द वायरस इज द मेजर पार्ट वी कवर्ड नाउ लेट सी अदर सम अलर ऑर्गेनिजम दैट इज वायरॅ एंडराइड वायरस पढ़ लिया बच्चों लगा कि इसके पास तो कुछ नहीं है सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है ओनली द प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाजम नहीं सेल ऑर्गेन नहीं कुछ नहीं

इसके पास लो मोलिकुलर वेट आरएनए है ठीक है यह एक बीमारी पैदा करता है दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बीमारी का नाम याद रखना मुश्किल नहीं है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज यह भी इंपॉर्टेंट है ट्यू डायनर जिसने इसे खोजा प्लस इसका जेनेटिक मटेरियल तीन सेंटेंसेस है तीनों ही प्रोस्पेक्टिव आपके बोर्ड के और नीट के क्वेश्चंस है और इसका जेनेटिक मटेरियल दिस इज द लो मोलिकुलर वेट आर एन एस वॉज वायरॉइड्स अब आ जाइए प्रायन में अब आपको लगा कि अरे इसके पास तो प्रोटीन कोड भी नहीं है तो नाउ यू आर इन फॉर सरप्राइज अब ये इंफेक्शियस एजेंट है बीमारी पैदा कर रहा है आप में आके आप उसको लिविंग बोलो नहीं बोलो ऑसेंगुलर बोल दो जो बोल दो दिस दे डू नॉट इवन हैव एनी जेनेटिक मटेरियल इसके पास ये कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है इसके पास सिर्फ और सिर्फ है इट हैज मिसफोल्डेड प्रोटीन मिस फोल्डेड प्रोटीन है और ये क्या करता है जब किसी ऑर्गेनिज्म में जाता है देन इट कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर करता है ये ये न्यूरोलॉजिकल जो डिजॉर्डर करता है इसके दो एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं याद रखने हैं एक है आपका बोहाइन स्पॉन्जिफॉम बोहाइन फॉर्म एन सिफेलोपैथी एन सिफेलोपैथी ये काउ वगैरह में दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मैड काउ डिजीज़ दिस इज़ बोभांग स्पॉन्जीफॉम एन सिफेलोपैथी ऑल्सो मीन्स इसको हम लोग बी एस ई भी कहते हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैड काउ डिजीज़ इसके अलावा इसी का एक एनालोग फॉर्म ह्यूमन बींग में भी होता है जो ह्यूमन बींग में होता है दैट इज़ क्रूट फेल्ट, जैकब डिजीज जैकब डिजीज, एनालॉगस फॉर्म ऑफ दिस बी एस ई सो दिस इज द प्रायन अब आपको पढ़ना है लाइकेन लाइकेन के बारे में क्या पढ़ोगे लाइकेन के दो कॉम्पोनेंट हैं एक है एलगी एक है फंजाई फंजाई के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि उसके पास बहुत सारे हाइफी होते हैं सो इट हैज हैविंग सो मेनी माइल उसका पूरा माइसिलियम में इतने सारे हाइफी होती है मतलब वो बहुत सारा ज़्यादा वाटर मिनरल सब एब्जॉर्ब कर सकता है प्लांट सॉइल से है ना तो ये फंजाई क्या करता है ये दोनों का जो एसोसिएशन है जिसमें वो एक होकर उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है कि आप अलग से अलगी फंजाई को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो इसमें ये फंजाई कंपोनेंट इट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल टू द एंड इट इज कॉल्ड दिस फंजाई कंपोनेंट इट इज कॉल्ड इसे कहते हैं माइकोबायंट। इसके पास माइसिलियम है तो एलगी के पास क्लोरोफिल है इसने सामान लाके दिया और इसने खाना बना लिया इसने फोटोसिंथेसिस कर दिया बिकॉज इट इज हैविंग द क्लोरोफिल सो दिस इज कॉल्ड फाइकोबायंट फाइकोबायंट इजी टू रिमेंबर फोटोसिंथेसिस का पीएच मिल जाता है आपको यहाँ दिस इज फाइकोबायंट माइसिलियम का माइसिलियम का पहला वाला पार्ट मिल जाता है आपको यहाँ तो ये माइकोबायंट इस तरह से दिस इज द लाइकेंस तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया अब ये सोचो कि इसमें कौन सा आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एंड दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच वेर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन फॉर ऑब्वियस रीजंस। द रीजन्स यू हैव जस्ट सीन बच्चों हम लोग आपके इस एलेवेंथ के 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर नीट और बोर्ड एक्सपीरियंट्स के लिए अभी जो आपके एलेवेंथ के क्लास चल रहे हैं उसमें कोई भी सीक्वेंस हम ऐसा नहीं लेते हैं कि एक चैप्टर शुरू का पढ़ाया एक बाद का पढ़ाया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं बच्चे किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो कि स्कूल में एक अलग चैप्टर पर चल रहा है और यहाँ पे कोई अलग चल रहा है हम ये चाहते हैं कि उतने सारे बच्चे मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं स्कूल और घर में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि कहीं पे क्लैश नहीं हो स्कूल की पढ़ाई और यहाँ जो पढ़ाई हो रही हो वो ऐसे रिदम में चले कि आपके इंटरनल एग्जाम्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपके फाइनली ग्रेजुअली आप स्टेप लेते हुए अपने बोर्ड और नीट को भी फ्लाइंग कलर से पास कर लो अपना एम अचीव कर लो ये लेक्चर आपके लिए साथ में आपके जो सीनियर्स है 2023 बैच के उनके लिए भी हेल्पफुल है नेचुरली बिकॉज इट इज द इन द सिलेबस ऑफ नीट तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा सी यू ऑन मंडे 2 पी एम विथ न्यू चैप्टर दैट इज प्लान किंगडम